Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear friend, this is Gaurav and welcome in my YouTube channel Learn City. अपने YouTube चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज का जो टॉपिक है फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्रेविटेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके सामने पूछे जा सकते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चंस, तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन थियोरेटिकल यहाँ से बन जाते हैं। ये स्टूडेंट इसके अंतर्गत अपन जैसे गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी नियम पढ़ेंगे, बाद में केपलर के नियम भी पढ़ेंगे, ग्रहों की गति कैसे होती है, बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर सकते हो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपन स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, क्यों अपने को गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से देखते हैं। ऊंचाई से गिराया गया पत्थर, ऊंचाई से जो गिराया गया पत्थर पृथ्वी की ओर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी पत्थर के ऊपर आकर्षण बल लगाती है और उसे नीचे गिराती है। जब कोई ऊंचाई से अपन कोई पत्थर गिराते हैं तो पत्थर जो है पृथ्वी पर नीचे की ओर आके गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि पृथ्वी जो है ना पत्थर के ऊपर आकर्षण बल लगाती है और उसे नीचे गिराती है। पृथ्वी जो है उस पर एक आकर्षण बल लगा रही है जिसके कारण पृथ्वी उसे अपनी ओर अपने केंद्र की ओर उसे खींच पा रही है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जो सभी वस्तुओं को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, बल जिसमें पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल या गुरुत्व कहलाता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है उस बल को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल या गुरुत्व अपन उसको बोल सकते हैं। ये स्टूडेंटों, जो अपन किसी भी वस्तु को नीचे की ओर फेंक रहे हैं और वो पृथ्वी पर नीचे की ओर ऊपर की ओर फेंके तो वो वापस नीचे की ओर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसे अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। जिस बल से पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींच रही है उस बल को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय बल या फिर गुरुत्व उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपने यहाँ से देख पा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी नियम। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी नियम या फिर अपन बोल दें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख पा रहे हैं, तो ये नियम अपना हो गया, विश्व में प्रत्येक वस्तु एक बल से दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। विश्व की जो प्रत्येक वस्तु है ना दूसरी वस्तु को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है, जो उनके माध्यमों जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टूडेंटों इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये अपने पास कोई दो द्रव ए और बी दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई है। दोस्तों इसको देख लेते हैं, मान लेते हैं m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं a और b एक दूसरे से r दूरी पर रखी गई है, तो दोनों वस्तुओं के बीच द्रव्यमान f दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण बल f है। गुरुत्वीय सर्वव्यापी नियम के अनुसार दोस्तों, गुरुत्वीय जो सर्वव्यापी नियम क्या कहता है कि जो इनके मध्य बल लगेगा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों ये हो गया जो है गुरुत्व का सर्वव्यापी नियम। अभी आपसे अपन समानुपाती को ठपा रहे हैं तो आप एक कॉन्स्टेंट का उपयोग करेंगे जी। जी एक कांस्टेंट है जिसे अपन सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अपन कांस्टेंट का यूज कर पा रहे हैं तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर पा रहे हैं, f बराबर जी m1 m2 अपॉन r2। ये हो गया अपना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी नियम। और यहाँ पे जी जो है कैपिटल जी
इसे अपन बोल सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। तो दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं, ये हो गया अपना, ये फॉर्मूला अपने पास आ गया है, फॉर्मूला अपने पास आ गया है जी एफ बराबर जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। जी यहाँ पे हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की अपन बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि। जो वस्तु स्वतंत्र रूप से किसी पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसके वेग में प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि जो है उसे अपन क्या कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण उसे कह सकते हैं, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल जी का उपयोग करते हैं। और स्मॉल जी है जिसका प्रमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर 9.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो 9.5 है कई जगह आपको 9.8 भी मिलेगा, कई जगह आपको 10 भी मिलेगा। ये जो वैल्यू है लगभग दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन में आपको 9.1 ही देगा यहाँ पे, चाहे 9.8 दे दे, 9.5 दे दे या फिर 10 दे दे, इन तीनों में से जो ऑप्शन में एक ही आएगा उस कंडीशन में आपको राइट आंसर इन तीनों में से एक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो वैल्यू अपने पास लगभग वैल्यू दे रखा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 9.5 हो सकता है, फिर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण की जो यूनिट हो गई यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को अपन देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से, गुरुत्वीय नियतांक जी का मूल्य जो हो गया। अब देखो अपने पास ऊपर नियम है ये, इसमें अपन क्या करें, m1 = m2 = 1 किलोग्राम, यानी कि दोनों जो अपने पास दो वस्तुएं थी उनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम मान ले, उनके बीच की दूरी जो है r 1 मीटर कर दें, तो इनके बीच लगने वाला बल जो है ये एफ बराबर जी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वीय स्थिरांक जी आंकिक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के ही बराबर हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर कब हो जाएगा, जो एक दूसरे से एक दूसरे से इकाई दूरी पर रखी हुई दो इकाई द्रव्यमानों की दो वस्तुओं के बीच जब कोई बल लगता है, तो वो बल जो है उसके गुरुत्वीय यानी कि उसके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर ही हो जाएगा। दोस्तों जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है कैपिटल जी, इसके वैल्यू की अपन बात कर ले तो इसका वैल्यू जाएगा 6.67 × 10^11 N 10^11 N मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का वैल्यू हो गया अपने पास दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास कैपलर के ग्रह गति के नियम। कैपलर के जो ग्रह गति के नियम है दोस्तों, कैपलर ने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम जो है इसका अपन देखते हैं कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा के दो नाभिकों में से एक पर सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। दोस्तों कहना क्या चाह रहा है कि जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में दो नाभिक है ना, उसमें नाभिक में सूर्य नाभिक में होता है तथा जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह सूर्य नाभिक में और जो ग्रह होते हैं इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये कैपलर का पहला नियम हो गया। सेकंड लॉ कैपलर का अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करता है कि जो ग्रह है ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल हटा पाती है। दोस्तों ये कोई सूर्य है तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है समान समय में समान क्षेत्रफल, ये कोई दो रेखाएं इनको मिला रही है तो समान समय में जो है ना समान क्षेत्रफल जो है हटाती है। ये हो गया कैपलर का सेकेंड लॉ। कैपलर का थर्ड लॉ अपन देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड लॉ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है,
जो केपलर का जो थर्ड नियम है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। केपलर का थर्ड नियम जो है सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का, औसत दूरी मान लेते हैं आर, जो आर औसत दूरी का घन जो है उस समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है समय के वर्ग के। ये है सर केपलर का थर्ड नियम दोस्तों। केपलर का थर्ड नियम ये है कि सूर्य और ग्रह की औसत दूरी है ना, उसका घन, सूर्य और ग्रह की औसत दूरी का घन, औसत दूरी जो हो गई आर, आर का घन जो है उस समय के वर्ग के समान अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में होता है। जितने समय में सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाने में उस समय लगता है ना, उसके वर्ग के समानुपाती हो गए। इस नियम को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर दिया। अब दोस्तों समानुपाती को ढपा रहे तो अपने कांस्टेंट लगाएंगे तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉन्स्टेंट, जो कि यहाँ दे रखा है। आर जो है ग्रह की गति की औसत, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी हो गई, और टी जो है समयावधि है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है ना, वो समयावधि उसकी हो जाती है। दोस्तों अपन यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ पा रहे हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के ऊपर बराबर तथा विपरीत बल लगाती है। अतः पृथ्वी जब किसी वस्तु को ऊपर वस्तु के ऊपर आकर्षण बल लगाती है तो वस्तु भी उसके विपरीत में पृथ्वी के ऊपर समान बल लगाती है, पृथ्वी के ऊपर समान बल लगाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, जो ग्रह की गति के समीकरण, जो पिंड की गति के समीकरण है दोस्तों, गति के सामान्य सूत्र तो हो गए दोस्तों। पहला समीकरण गति का v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण अपन देखें s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण अपन देख पा रहे हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों यदि अपन पिंडों के बारे में बात कर लें मुक्त रूप मुक्तपदी पिंडों के लिए गति के समीकरण, तो यहाँ पे जो है गुरुत्वीय, जो यहाँ पे त्वरण जो है ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक ही जगह अपन क्या रखेंगे जी, और जो यहाँ पे एस है ये एस एच के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसकी हाइट है ना इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ इन तीनों समीकरणों में ए दे रखा है उसकी जगह जी रख देंगे, और जो एस दे रखा है उसकी जगह एच रख देंगे। देखिए दोस्तों ए टी स्क्वायर ए दे रखा है तो इसको इसमें हो जाएगा जी टी स्क्वायर, एस है तो एच हो गया, और यहाँ पे ए टी स्क्वायर दे रखा था यहाँ जी टी स्क्वायर हो गया। दोस्तों ये है अपने ग्रह की गति के तीन समीकरण जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन होने पर वस्तु का प्रभाव। दोस्तों ध्रुवों पर अपन घूर्णन के प्रभाव देख पा रहे हैं। तो पहला जो अपन देख पा रहे हैं, यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो वे दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचती है। क्यों पहुंचती है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी जो है जिस आकर्षण बल से दोनों को खींच रही है वो दोनों वस्तुओं पर समान ही लगाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। कैसे होता है, देखो भूमध्य रेखा पर इसका भार सबसे कम और ध्रुवों पर इसका भार सबसे अधिक होता है। दोस्तों किसी वस्तु का भार जो है ना पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर तो क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पर वो जैसे ही शून्य हो पा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर भार का मान स्थान पर बदलता रहता है, पृथ्वी पर तो शून्य हो जाएगा, और जो है ना भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार सबसे कम और ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के तल से ऊपर जाए या फिर नीचे जाए जो है उसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा, और चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर किसी का वेट 60 है तो वहाँ पे 10 हो जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अलावा अन्य स्थानों पर वस्तु के बाहर में वृद्धि हो जाएगी। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः यदि घूमना बंद कर देती है ना, तो ध्रुवों के अलावा अन्य स्थानों पर वस्तु के बाहर जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, यदि पृथ्वी तेजी से घूमने लगे तो केवल ध्रुवों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर वस्तु के बाहर में कमी हो जाएगी, यानी कि ध्रुवों पर जो है ना उसके बाहर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा अन्य स्थानों पर जो उसके बाहर में कमी हो जाएगी। तेजी से घूमेगी तो कमी हो जाएगी, घूमना बंद कर देगी तो उसके बाहर में वृद्धि हो जाएगी अन्य स्थानों पर, जबकि जो ध्रुव है ध्रुवों पर कुछ नहीं परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल यहाँ से देख लेते हैं। यदि दो M1 तथा M2 द्रव्यमान के पत्थर एक निश्चित ऊंचाई के साथ गिराए जाते हैं तो एक ही समय में नीचे पहुँचेंगे, एक ही समय में नीचे पहुँचते चाहे उनका द्रव्यमान अलग अलग कितना ही रख लें। नेक्स्ट पॉइंट अपन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर एक अब देख पा रहे हैं, तो पीसा की झुकी हुई मीनार अभी भी टिकी हुई है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अभी भी आधार के क्षेत्रफल के अंदर से ही गुजर रही है। यदि ये ऊर्ध्वाधर रेखा बाहर से गुजरे तो मीनार गिर जाएगी। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा ना, अभी भी उसके आधार के क्षेत्रफल के अंदर से ही गुजर रही है। यदि वो बाहर से गुजरने लग जाए, ऊर्ध्वाधर रेखा बाहर से गुजरने लग जाए तो वो मीनार गिर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं कि बोझा लेकर पहाड़ पर चलते समय मनुष्य आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर क्यों झुक जाता है? क्योंकि इस अवस्था से उसके गुरुत्वीय केंद्र में होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है ना उसके पैरों के पास आधार से होकर गुजर जाती है और उसे चलने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, खोखले शंकु का गुरुत्व केंद्र शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, त्रिभुजाकार जो ठोस है, त्रिभुजाकार ठोस में क्या होता है कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु उसका गुरुत्व केंद्र होता है। जो त्रिभुजाकार जो ठोस होता है ना उसमें माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है, उसका गुरुत्व केंद्र ही उसकी माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से देख पा रहे हैं, प्रक्षेप गति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर बिन किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गिरता है। जैसे दोस्तों अपन ने किसी वस्तु को यहाँ से फेंका, किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो वो ऐसे जाके गिरता है। जैसे अपन गोला फेंकते हैं या गोले तोप से गोले निकलते हैं, वो एक प्रक्षेप गति करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई रॉकेट है उसमें ईंधन ख़त्म हो जाती है ना, तो वो भी प्रक्षेप गति करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रक्षेप गति की अत्यधिक ऊंचाई पर जो होता है ना, ऊंचाई जो इसका निकाल पा रहे हैं दोस्तों, h = u² sin² θ / 2g, इसका फॉर्मूला हो गया h = u² sin² θ / 2g। यहाँ पे u हो गया यू पिंड का प्रारंभिक वेग, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, थीटा जो है, यदि थीटा का मान अपन 90 मान लेते हैं दोस्तों, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इस दिशा में क्या हो जाएगी, जो ऊंचाई है सबसे अधिक हो जाएगी, सबसे अधिक ऊंचाई इसकी θ = 90° पर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं दोस्तों, ऊंची कूद में एथलीट शरीर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालते हैं। क्यों उछालते हैं? क्योंकि जो ऊंचाई सबसे अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन उदाहरण देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रक्षेप गति के तोप से निकलने गोले की गति हो गई, ईंधन खत्म होने पर रॉकेट की गति हो गई, फिर हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति हो गई, जो प्रक्षेप गति होती है। रेंज या परास की अपन बात कर पा रहे हैं दोस्तों, तो प्रक्षेप बिंदु से एक तय दूरी तक की क्षैतिज दूरी को अपन परास कह सकते हैं। परास का फॉर्मूला हो गया r = u² sin θ / g,
जो यहाँ पे आर हो गई दूरी, यू हो गया प्रारंभिक वेग और जी हो गया यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट पॉइंट कुछ एग्जाम्पल्स अपने यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स अपने यहाँ देख पा रहे हैं। तो अत्यधिक परास पाने के लिए लंबी कूद करने वाले खिलाड़ी 45 डिग्री के कोण पर उछलता है। अत्यधिक परास अपने को पानी है तो 45 डिग्री के कोण पर उछलना चाहिए। चक्का फेंक या भाला फेंक में खिलाड़ी अत्यधिक दूरी तक फेंकने के लिए 50 डिग्री से कम कोण पर फेंकते हैं। अत्यधिक दूरी से फेंकने के लिए अपने को 50 डिग्री से कम कोण की आवश्यकता होती है। किसी ऊंचाई पर निशाना लगाना है तो वहाँ पे भी क्या हो गया, रेंज अपन देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूर तक मारने वाली मिसाइल का गमन पथ परवलाकार नहीं होता है। गमन पथ जो है दूर तक मारने वाली मिसाइल का गमन पथ वो परवलाकार नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार देख पा रहे हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर उसके भार का एक लगभग छठवां हिस्सा होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का एम है भार, तो वहाँ चंद्रमा कितना हो जाएगा, एम बाई सिक्स। यानी कि पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर एम 60/6 यानी कि 10 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कृत्रिम उपग्रह की बात कर लेते हैं। तो इनका कृत्रिम उपग्रह जो होता है, इनका परिक्रमण काल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई होती है ना उस पर निर्भर करता है। यानी उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। पृथ्वी तल से जितनी दूरी पर उपग्रह होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, यदि घूमते हुए किसी उपग्रह में से वस्तु या पैकेट छोड़ दिए जाएं तो पृथ्वी पर न गिरकर उपग्रह के साथ उसी चाल में उसी कक्षा में घूमता रहेगा। यानी कि कृत्रिम उपग्रह जो होता है उसमें क्या होता है कि घूमते हुए उपग्रह में कोई वस्तु या पैकेट छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी पर गिरेगा नहीं, पृथ्वी पर न गिर के वो क्या करेगा, उपग्रह के साथ उसी चाल से उसी कक्षा में घूमता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं उपग्रह का परिक्रमण काल, तो उपग्रह का परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, यह केवल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ही निर्भर करता है, पृथ्वी तल की जितनी ऊंचाई है उस पर निर्भर करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। पृथ्वी से मतलब जितना निकटतम पृथ्वी के रह सकता है उसमें उसका परिक्रमण काल जो है 84 मिनट का होता है दोस्तों। उसका परिक्रमण काल कितना होता है, 84 मिनट का। तो ये था दोस्तों आज का कुछ पॉइंट, होपफुली आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। दोस्तों फिजिक्स का अपन काफ़ी कुछ पार्ट, फिजिक्स जो है इसका काफ़ी कुछ पार्ट अपन पढ़ चुके हैं कुछ ही दिनों में। अपन मैथमेटिक्स अपना चल ही रहा है दोस्तों, अब फिजिक्स जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी कंप्लीट स्टडी करेंगे दोस्तों। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यदि ये PDF आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।